नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग GDS रिजल्ट को लेकर आ चुकी एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट के बारे में। आज यानी कि 22 जून सुबह मॉर्निंग का बहुत ही बड़ा अपडेट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरह से ट्वीट किया गया है, साथ में आपका रिजल्ट अंडर रिव्यू में जा चुका है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। रिजल्ट पे आपके रोक लग चुकी है पूरी तरह से, रिजल्ट दोबारा आने का पूरा चांस है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रयास जारी है। प्रयास कैसे जारी है, प्रूफ के साथ आपको सारी चीजें ट्विटर अकाउंट पे ले चल के दिखाऊंगा। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि GDS के रिजल्ट के अंदर कैसे धांधली हुई है, इस बार कैसे यहाँ पे लोचा है। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों के भी 60% या 70% या 80% थे या फिर आपके 85% थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपके राज्य के रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। क्या काम है इसके बारे में बताएंगे। उस काम को करने से आपका रिजल्ट भी अंडर रिव्यू में जा सकता है और एक बार मॉडिफाई होके आपके रिजल्ट के आने की पूरी संभावना होने वाली है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको GDS रिजल्ट से रिलेटेड और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे मिलती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको अंडर रिव्यू के रिजल्ट का प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि आपका रिजल्ट अंडर रिव्यू में जा चुका है। सबसे पहले आप लोग इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल ट्वीट देखिए जो कि एक घंटे पहले का है। द डिपार्टमेंट हैज टेकन ए नोट ऑफ दिस टेक्निकल एरर। देयर आर 34 सच केसेस। द रिजल्ट ऑफ दिस कैंडिडेट इज विथ हेल्ड। डिपार्टमेंट इज प्रिपेयरिंग ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ दिस सेम। यानी कि इनका कहना है कि डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक टेक्निकल एरर है, इन्होंने सारे केसेस को दर्ज कर लिया है और उनकी छानबीन इन्होंने शुरू कर दी है। इनका सिर्फ ये कहना है। अभी हम कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे और जो रिजल्ट अंडर रिव्यू में गए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट डॉट ऑनलाइन की वेबसाइट पे। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया पोस्ट GDS। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे ये बताया गया है कि रिजल्ट आर अंडर रिव्यू फॉर SSLC कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। और आपको बता दें कि ये कल अंडर रिव्यू में गया था और आज इसका रिजल्ट आ चुका है। जब रिजल्ट आ गया है तो देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, इसके बाद ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे चलते हैं। तो जब आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जिन राज्यों का रिजल्ट अंडर रिव्यू में गया है उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की बटन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। मैंने कल केरला के लिए यहाँ पे रिजल्ट डाउनलोड किया था, आज भी डाउनलोड करते हैं। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट PDF फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले पॉइंट पे आप लोग देखेंगे 4th नंबर पॉइंट पे, यहाँ पे रिजल्ट इनका अंडर रिव्यू है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको बहुत सारे रिजल्ट अंडर रिव्यू में देखने को मिलेंगे। 28 नंबर पे जनरल कैटेगरी का अंडर रिव्यू आपको शो करेगा। इसके बाद जब आप लोग इसको जूम करके स्क्रॉल करेंगे, एक लाइन में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट यहां पे अंडर रिव्यू में डाला गया है। यहां से स्क्रॉल करिए, यहां से स्क्रॉल करिए, नीचे आइए, आपको देखने को मिलेगा कि मॉडिफिकेशन रिजल्ट के अंदर कम से कम यहां पे 82 वालों का भी नंबर लगा हुआ है। यहां पे देखिए 168 के अंदर रिजल्ट अंडर रिव्यू है। यही नहीं, बस यहां पे आपको लाइन से रिजल्ट देखने को लेंगे 201 का, 202 का, 203 और 205 का रिजल्ट यहां पे आपको अंडर रिव्यू में देखने को मिलने वाला है। इट मींस कि यहां पे बहुत ही भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। ये इनका कहना है कि टेक्निकल एरर है, लेकिन यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि किसका किसका यहां पे नंबर लगा है और किसका नहीं। अभी यहां पे देखें, अंडर रिव्यू में चल रहे हैं OBC हो चाहे जनरल हो, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट का रिजल्ट यहां पे अंडर रिव्यू में इन्होंने डाल दिया है और ये डाला है क्योंकि बहुत ही बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। चलिए चलते हैं ट्विटर अकाउंट पे, वहां से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ट्विटर अकाउंट पे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार रिजल्ट 100 में से 100%, प्लीज़ एक्शन। यहाँ पे आपको भी अपने राज्य का हैशटैग चलाना होगा, GDS 2022 रिजल्ट स्कैम करके हैशटैग लगा के आपको ट्वीट करना होगा। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा स्कैम है यहाँ पे, किसी भी कैटेगरी का यहाँ पे कुछ भी कम परसेंट नहीं है, चाहे वो किसी SC ST का हो, जनरल हो, OBC हो, PWD हो, EWS हो, SC हो,
आपको सिर्फ और सिर्फ 100% ही सभी के देखने को मिलने वाले हैं। 100% से नीचे किसी का भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके नीचे आएंगे और बहुत सारा स्कैम है, देखिए ओ माई गॉड करके है। यहाँ पे आपको 73 स्टूडेंट का 100% यहाँ पे मार्क यहाँ पे शो करेगा। इसको जूम करते हैं, यहाँ पे देखें लाइन से आपको 100% की यहाँ पे लिस्ट जो है तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है इनका कहना है। इसके बाद यहाँ पे देखें दूसरा नोटिफिकेशन भी है, इसमें भी आपको 100% वाले बहुत सारे देखने को मिलेंगे कैंडिडेट। इसके बाद यहाँ से दूसरे ट्वीट को देखते हैं, यहाँ से नीचे आएंगे आप लोग देख सकते हैं 103 और 108% वालों का रिजल्ट चेक करिए। यहाँ पे जो धांधली हुई है इसको आप लोग देखें, ओबीसी जनरल ओबीसी 103.75%, 105%, 113.75% और 110% वालों का यहां पे इन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है। और इन्हीं को लेकर ये बच्चे जो है तो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपको भी यहाँ पे जाके #GDS2022ResultScam करके यहाँ पे ट्वीट करना होगा, तब जाके यहाँ पे आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं 100 वालों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ से लेटेस्ट पोस्ट में चले जाएंगे, आपको अभी अभी की अपडेट देखने को मिलेगी। एक मिनट की अपडेट है, हमारी मेहनत क्या काफ़ी थी। इसके बाद यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में जो विद्यार्थी कोरोना काल में बिना परीक्षा के प्रमोट हुए हैं उन्हें GDS के रिजल्ट में शामिल ना किया जाए। इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है तो ट्वीट आ रहा है, आप भी इनके साथ मिलकर ट्वीट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका भी यहाँ पे रिजल्ट जो है तो रिव्यू में चला जाए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, 4 मिनट यहाँ पे हर मिनट पर ट्वीट आ रहा है। आपको #टैग चलाना है GDS रिजल्ट स्कैम को लेकर, तब जाके यहाँ पे कुछ काम हो सकता है। तो जल्दी से करिए, जो भी करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये मौका चला जाएगा इसके बाद आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चैनल के साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।